पुरुषोत्तम दातकर नखीगाव यांच्या नेतृत्वात राजू पाटिल मोडक गट ग्राम पंचायत नखीगाव पिलकवाडी यांची उपसरपंचपदी अविरोध निवड झाल्याबद्दल तसेच अर्चना प्रकाश बाबू बघे ग्रामपंचायत सदस्यपदी यांची निवड झाल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक विजय बघे अकोट तालुका उपाध्यक्ष, ज्ञानेश्वर पाटिल मोडक, ज्ञानेश्वर बघे, सुनील रामचौरे, अमोल ज्ञानेश्वर रामचौरे, श्रीकृष्ण बघे, विष्णु बघे, प्रशांत बघे, सुनील बघे, अमोल बघे, पवन बघे, चंद्रशेखर बघे, आनंदा बघे, राहुल मुंडाले, अजाबराव बघे, सागर बघे, श्याम बघे, मनोहर बघे, दिनकर बघे, अकोट तालुका पत्रकार प्रकाश भाऊ बघे व समस्त गट ग्राम पंचायत नखेगाव पिलकवाडी येथील समस्त नागरिक। मुस्लिम समाजातील गरिबाला न्याय, शासकीय योजनांचा लाभ आणि मुस्लिम युवक गुन्हेगारीपासून दूर नेण्यासाठी युनिटी इज पॉवर हे नवे संघटन होणार कार्यरत। समाजातील 17 संघटना एकवटल्या, पत्रकार परिषदेत दिली माहिती। गुन्हेगारी प्रकरणात मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य तरुणांचा सहभाग असल्याचा आरोप नेहमीच होत असतो, तर मुस्लिम तरुण दिवसभर आपली भाकरी कमावण्यात व्यस्त असतो। मुस्लिम तरुण जास्त शिक्षित नाहीत, त्यामुळे ते बहुतांश गुन्हेगारी प्रकरणात अडकतात। या युवकांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी व त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच समाजातील गरीब कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी मुस्लिम समाजाबरोबरच इतर समाजातील संघटनांनाही सहभागी करून घेतले जात आहे। एकत्र आलेल्या संघटनेला युनिटी इज पॉवर असे नाव देण्यात आले असून न्याय मिळवून देण्यासाठी ही संघटना काम करेल, अशी माहिती आकिब खान यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली। युनिटी इज पॉवर, यूनिटी एक पावर है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये पहुँचाना चाह रहे कि अगर हम एक साथ मिलकर अगर यूनिटी करके कुछ काम करें तो उससे बहुत ज़्यादा हम समाज का फ़ायदा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक टाइटल के साथ में यूनिटी इज पावर के वर्क शुरू किया, जिसमें सारी संगठनाएँ हमारे साथ में जुड़ रही है। अभी लगभग 17 संगठनाएँ हमारे साथ में जुड़ चुकी है। तो इसमें हम पहला जो वर्क करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, तो वो है निकाह को आसान करना। तो निकाह को आसान ऐसा करना है कि बिल्कुल निकाह के लिए प्रस्ताव लेके गए और वहाँ से निकाह करके निकले, जैसे पहले दौर में आसान हुआ करता था। दूसरा है मुस्लिम समाज को घर कुल का लाभ दिलाने के लिए हम काम करने वाले। तीसरा ऐसा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपने अकोला का खास तौर पे, तो वो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए हम कुछ कदम उठाने वाले। और आखिरी है क्या क्राइम और करप्शन मुक्त भारत के लिए हम करने वाले, जिसके लिए हमने एक पर्टिकुलर टीम तैयार की है। जो टीम स्पेशली जहाँ पे भी क्राइम हो रहा है और जो करप्शन बढ़ता जा रहा है तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम आखिरी बात ये रहेंगी मेरी कि आप तमाम ही हमसे जुड़कर इसको समझे और हमारा साथ दे ताकि हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। इसमें आपने जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817।